नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इंडिया ने जो फैसले लिए हैं चाइना के खिलाफ। जी हाँ साथियों, बहुत मजा आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है और अपना भी फर्ज बनता है। जो देश हित में जो फैसले होते हैं, दिल खोल के हमें स्वागत उनका करना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे भाई अपने अपना भारत चाइना से कैसे बदला लेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पे फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई देखिए, सरकार ने जब हमारे देश के जो 20 जवान शहीद हुए थे, तभी मोदी साहब ने ये बोल दिया था कि हम बदला उनसे जरूर लेंगे, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है साथियों कि कोरोना महामारी में वैसे भी आर्थिक प्रॉब्लम तो आएगी, सभी देशों की हालात हैं। आप विदेश में बैठे होंगे, आपको भी पता है कि अगर आपकी खुद के हालात खराब हैं तो फिर देश का भी सेम कंडीशन होता है। उस स्थिति में जरूरी नहीं होता कि एक सामने वाले दुश्मन के ऊपर वार करके उसको खत्म करके उसको, एक चाणक्य नीति में यह भी बोला गया कि अगर इंसान को जड़ से खत्म करना है तो आर्थिक कमर है ना, आर्थिक स्थिति उसको कमजोर कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाता है। और यह मान के चलिए कि वर्ल्ड के अंदर चाइना के बाद में इंडिया का नंबर है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही है, सबसे ज़्यादा बिजनेस यही होता है, सबसे ज़्यादा लोगों को, सरकारों को, दूसरी कंट्रियों को, कंपनियों को इनकम यहीं से होती है। टिकटॉक जैसी मामूली कंपनी जिसको हम मान सकते हैं, 15 सेकंड का वीडियो डलता है, आज आप और हम लोग डालते रहते हैं, 1500 करोड़ रुपए महीने की इनकम है टिकटॉक अकेली। इंडिया से पैसा चाइना जाता है। जी हाँ साथियों, तो ऐसे 59 ऐप्स जिनको हम कचरा बोल सकते हैं, कल रात को यानी 29 मई को पूरा मामले को बैन कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरी बता दूं भाई, ये जो जितने भी सोशल मीडिया ना अपनी हमारी इंडियन संस्कृति को खाए जा रहे थे, हमारे घर परिवार बच्चों को ये ख़त्म करने के कगार पे थे। देखे छोटा बच्चा टिकटॉक, पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा बच्चों पे इफेक्ट था। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छा कदम उठाया, एक तो देश हित में रहेगा, दूसरे हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार, उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज हम मान सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि बैन हो गए फिर भी ये दिख रहे हैं, तो टिकटॉक दिखना बंद हो गया। बाकी भाई देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन इनको सिस्टम में कैंसिल करने के लिए प्ले स्टोर से, क्योंकि कंपनियों को लिखा जाता है, फिर उनको एक्शन लेने में टाइम लग जाता है, अगर दो चार होते हैं तो तुरंत हो जाता है। 59 ऐप्स कम नहीं होते भाई इंटरनेट स्तर के, तो एक दो तीन दिन का टाइम लग जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐप्स हट गए हैं, बाकी एक दो दिन, दो या तीन दिन के अंदर पूरा 59 ऐप्स हट जाएंगे। तो बहुत अच्छी है भाई ये, हमें भी इनका स्वागत करना चाहिए। और आपके मोबाइल में भी हैं तो भाई इंस्टॉल कर दो, ऐसी चीज़ें हमें नहीं चाहिए जो हमारे नुकसान करें हमारे देश को। और सबसे बड़ी पॉलिसी चाइना की है डेटा कलेक्शन करना। जी हाँ साथियों, चाइना में सबसे बड़े हैकर्स हैं, मैंने एक वीडियो पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अपने जो भी हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी ऐप, पूरा डेटा इनके पास जाता है। और वहाँ की चाइना सरकार ने एक नियम बना रखा है, लॉ है वहाँ का, कि आप कोई भी आपके पास डाटा हो वो सरकार को देना पड़ता है, सरकार के सर्वर जो डाटा सर्वर है उस पर वो ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। तो हमारी कहीं ना कहीं प्राइवेसी उनके हाथों में जा रही है, पूरा हमारा बायोडाटा उनके पास जा रहा है। तो देश की सुरक्षा को हित में देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है और कहीं ना कहीं चाइना की 100% कमर इसमें टूटने वाली है। बाकी सरकार आगे धीरे धीरे और भी, आपको पता है चाइना सहित 3 देशों पर जो स्टील आयात है उस पर ड्यूटी लगा दी 5 साल के लिए 20%। जी हाँ साथियों, जो वहाँ से 20% अभी ड्यूटी लगेगी, तो सामान वहाँ से महंगा कर दिया है ताकि कम से कम इंडिया में आए। इससे फायदा ये होगा भाई, इंडियन लोगों को इसमें मजबूती मिलेगी, इंडिया के खुद लोकल इज वोकल, वो मोदी जी का जो नारा है लोकल इज वोकल, यानी हमारे लोग इस सिस्टम में आएंगे, उनको ज़्यादा ग्रोथ में ज़्यादा फायदा। यानी चाइना हमारे शरीर में 80% घुस चुका था। जी हाँ साथियों, यानी 70% मार्केट पे चाइना का कब्जा था, मोबाइल में, एसेसरीज में, कोई भी छोटे मोटे आइटम में। तो इसको भाई कमर तोड़ना जरूरी है, आने वाले टाइम में और भी देश हित में चौंकाने वाले फैसले मिलेंगे और बहुत कुछ होने वाला है। तो आज की जानकारी बहुत हमें भी अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।